नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आई विल सी यू इन कोर्ट, हिंदी में मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। ये लाइन भरोसे पर टिकी है, भरोसा कानून पर, भरोसा संविधान पर, भरोसा इंसाफ की आस पर। और व्यवस्था ऐसी कि अगर आपको लोअर कोर्ट के फैसले पर विश्वास नहीं और इंसाफ नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने सरहद के अंदर से लेकर सरहद के बाहर तक जो फैसले दिए, क्या वाकई में इंसाफ की राह में कोर्ट ही सुप्रीम है? महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिंदे सरकार वक्त की नजाकत के हिसाब से सही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं की और इस्तीफा दे दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो स्थिति थोड़ी अलग हो सकती थी। यानी शिंदे सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने आज के वक्त में सही माना है। वहीं दिल्ली सरकार और एलजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी को दिल्ली सरकार के हिसाब से काम करना होगा क्योंकि वो चुनकर आई, लेकिन पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड का अधिकार केंद्र के पास रहेगा। और अपने फैसले में कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि दिल्ली का असली बॉस जनता द्वारा चुनी गई सरकार ही होगी। अब सवाल यह है कि केंद्र में सरकार भी जनता के द्वारा ही चुनी गई और दिल्ली में भी सरकार जनता के द्वारा ही चुनी गई, तो क्या सही और गलत के बीच में कोर्ट ही सुप्रीम है? और कोर्ट के प्रति लोगों का विश्वास इन फैसलों के बाद बढ़ा है? और कोर्ट ने जिस तरफ इशारा किया कि अगर वहां सही तरीके से काम होता तो यहां आने की जरूरत नहीं होती, उसका मतलब क्या है? आज बात इसी। उद्धव ठाकरे, इन्हें वापिस मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। जो शिंदे गुट का व्हिप है वही गैरकानूनी इलीगल, उनको पता था कि हमारी हार हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल का साथ दिया और महाराष्ट्र के अंदर शिंदे का, लेकिन इन सब के बीच में ये कहा कि जो अपने प्रदेश के अंदर संवैधानिक संस्था है जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, मसलन महाराष्ट्र में राज्यपाल और दिल्ली के अंदर एलजी, क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाया और क्या उनकी तरफ इशारा सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि आप पॉलिटिकली चुने हुए नुमाइंदे जरूर हैं लेकिन आपको काम संविधान के हिसाब से करना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट ने एक सुप्रीम लाइन दे दी है जिस पर सभी को सोचने की जरूरत है? आज बात इस मुद्दे पर, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, बीजेपी नेता आशीष चतुर्वेदी जी, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता योगेंद्र गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता ए के जैन साहब हैं और राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल साहब हैं। ए के जैन साहब, क्योंकि कानून का मामला, तो शुरुआत आपके साथ ही करेंगे सर। दो महत्वपूर्ण बात बताइए सर। एक तो कॉमन मैन की नजर में होती है कि भाई वहां शिंदे की सरकार बन गई, अरविंद केजरीवाल जीत गए, लेकिन फैसला जब लिखा जाता है तो अंडरलाइन बहुत कुछ होता है, वो जो बहुत कुछ है उसे बताइए सर। देखिए, सबसे पहले तो इस फैसले के बारे में ये कहना कि शिंदे के पक्ष में चला गया, विपक्ष पक्ष में चला गया और केजरीवाल के पक्ष में चला गया, दोनों ही बातें पूर्णतया गलत हैं। यदि मैं कानून की नज़र से देखूं तो आज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला एक ऐतिहासिक निर्णय है और ये एक वार्निंग है चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, चुनी हुई सरकारों को और साथ में राजनीतिक दलों को और राजनीतिक रूप से नियुक्त गवर्नर्स को। क्योंकि आज अगर रीड बिटवीन द लाइन का पढ़ा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों जगह के गवर्नर्स संविधान के विपरीत काम कर रहे थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आक्षेप है। गवर्नर, जिसको आपको गरिमा का पद कहा जाता है, जो राजनीतिक रूप से नियुक्त जरूर होते हैं पर जिनके लिए माना जाता है कि वो निष्पक्ष हैं, सरकार का हर काम गवर्नर के नाम से, तो सीधी सी बात है कि साफ कहा कि महाराष्ट्र में तत्कालीन गवर्नर ने संविधान के विपरीत काम किया, दिल्ली में लेफ्टिनेंट जनरल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो संविधान के विपरीत काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा हर संविधान, हर कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंटरप्रिटेशन है वो हमें इस बात में ठीक है सर। आप ये कह रहे हैं कि भाई किसी के पक्ष में नहीं है, दरअसल ये उनको इस वर्तमान स्थिति के हिसाब से बताया गया कि उन्होंने ये नहीं किया तो उनको ये करना चाहिए और जिन्होंने नहीं किया उनकी वजह से ऐसा हुआ है। यस, ठीक है। हमारे साथ एसपी मित्तल साहब भी हैं। एसपी मित्तल साहब,
राजभवन एक प्रतिष्ठित जगह है जहां माना जाता है कि संविधान की किताब संविधान पार्क से आगे बढ़ते हुए खुलती भी है। अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हीं को क्वेश्चन कर रहा है तो सवाल यह खड़ा होता है कि जिनको हम बाय डिफॉल्ट राष्ट्रपति के नुमाइंदे प्रदेश में मानते हैं वो फिर राजनीतिक ही हैं, उनको राजनीतिक ही मान लिया जाए। नहीं आशीष, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो गवर्नर होते हैं वो क्या नाम से किसी ना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से सामने आते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार होती है तो स्वाभाविक है कि भारतीय विचारधारा भाजपा की विचारधारा के गवर्नर बनते हैं, और जब कांग्रेस की सरकार होती है केंद्र में तो जो कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं वही क्या नाम से गवर्नर बनते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन जब गवर्नर के पद पर जब वो बैठ जाते हैं तो ये उम्मीद की जाती है कि वो निष्पक्ष होने चाहिए और जो संविधान में जो बात लिखी गई है उसके अनुरूप अपने पद का निर्वाह करना चाहिए। अभी एके जैन साहब ने इसमें कोई दोहरा नहीं कि बहुत अच्छी टिप्पणी की, और जो जो निष्कर्ष था आज दोनों दिल्ली का महाराष्ट्र का उस पर उन्होंने बहुत बढ़िया टिप्पणी की। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने देखा कि पिछले दिनों कई राजनीतिक दल जिसमें कांग्रेस के नेता भी है जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता भी है और दूसरे लोग भी है वो ये बराबर कहते रहे कि जो न्यायपालिका है वो भी दबाव में काम कर रही है, लेकिन आज न्यायपालिका ने शायद उस दबाव को हटा दिया और एक जो क्या नाम विपक्षी दल है उसको इस बात से खुश कर दिया कि क्या नाम से जो निर्वाचित सरकार है वो वहां ज्यादा प्रभावी है, और महाराष्ट्र के अंदर क्या नाम से जो भारतीय जनता पार्टी है और जो उनके गठबंधन की सरकार है उसको उन्होंने खुश कर दिया। मतलब दो फैसलों से दोनों जो विचारधारा के लोग हैं वो क्या नाम से खुश हो गए। और जहां तक दिल्ली वाला जो मुद्दा है इसमें विजेंद्र की बात बिल्कुल सही बात है कि जो निर्वाचित सरकार है उसके पास में इस बात का अधिकार होना चाहिए कि वो किस अधिकारी की नियुक्ति करे किस डिपार्टमेंट में करे। अभी हमने देखा कि फैसला आया है उसके बाद में अभी सर समस्या ये है एसपी मित्तल साहब, मैं खैर इसको एक जैन साहब से स्पष्ट भी करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने कहा कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार ही बॉस है। अब क्योंकि वो तो यूनियन टेरिटरी है एक तरीके से, हालांकि वहां चुनाव होता है, लेकिन भाई दिल्ली में भी जनता द्वारा ही चुनी गई सरकार है और केंद्र में भी जनता द्वारा ही चुनी गई सरकार है, तो यहां स्पष्टीकरण में कैसे तय होगा कि केंद्र की तरफ इशारा है कि केंद्र बॉस है या दिल्ली बॉस है? एक जैन साहब एक लाइन में जरा बताइए। संविधान में राज्य का केंद्र का और समवर्ती सूची तीनों में अलग अलग विषय स्पष्ट दिए हुए हैं। समस्या तब होती है जब केंद्र राज्य के मामलों में एक्सेप्ट करता है या राज्य केंद्र के किसी मामले में कानून बनाने का प्रयास। दिल्ली में स्थिति थोड़ी सी अलग है, तीन चीजें वहाँ दिल्ली सरकार को नहीं दे रखा है वो केंद्र सरकार को दे रखा है, और इसके अलावा एक शक्ति और है कि जो राज्य सूची है दिल्ली के मामले में खास तौर पर इन तीनों विषयों के अलावा लॉ एंड ऑर्डर लैंड और उसके अलावा उस पर भी पार्लियामेंट कानून बना सकती है पर उन्होंने कहा एग्जीक्यूटिव डिसीजन आप नहीं ले सकते रोजमर्रा के काम। आपको मान लीजिए स्टेट के बारे में कोई बनाना है तो कानून बनाइए पार्लियामेंट में, गवर्नर अपनी लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी मनमानी नहीं कर सकता वहां। ठीक है, तो बॉस किसको कहा गया सर दोनों में से? दोनों जगह निर्वाचित सरकार को बॉस कहा गया है, दिल्ली में तीन चीजों के अलावा। ठीक है, बाकी सारे केजरीवाल बॉस है जब तक कि पार्लियामेंट कोई कानून बनाकर उनके जो भी जो उन्होंने कानून बनाया है उसको नहीं बदलेंगे। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, भाई इस फैसले से एक चीज क्लियर हुई, आऊंगा एसपी मित्तल साहब वापस आऊंगा मैं आपके पास, जो आप या कांग्रेस जो विपक्ष आरोप लगाती है कि राजभवन से निष्पक्ष फैसले नहीं होते उस पर तो आपका क्वेश्चन वाजिब रहा अगर इस फैसले को देखे, लेकिन क्या आप इसके आगे ये तो नहीं कहेंगे ना कभी कि भाई सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में है? देखिए विजेंद्र जी, एक बात स्पष्ट है, जब एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जो फैसला दिया है कभी कोई किसी भी फैसले को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन सीधी सी बात है इस फैसले के पश्चात भारतीय जनता पार्टी की जो अलोकतांत्रिक और अनैतिक राजनीति है वो उजागर हुई है। इसमें दो चीज़ें हैं महाराष्ट्र वाले मामले में, गवर्नर के डिसीजन को जो फ्लोर टेस्ट कराने का उन्होंने निर्णय लिया और आदेश दिया वो अनैतिक और गलत घोषित हुआ है, ठीक है, इस फैसले में। इसके साथ ही जो स्पीकर है तत्कालीन स्पीकर का जो निर्णय था, जो कहना चाहिए चीफ व्हिप जो मुख्य सचेतक थे जिन्होंने 16 एमएलएस को वहाँ पे जो शिवसेना के तत्कालीन एमएलए थे जो पार्टी की लाइन पे नहीं चल रहे थे पार्टी की खिलाफत कर रहे थे उनको नोटिस दिया, उसको रिकॉग्नाइज करने से मना किया और उसके आधार पर आगे जाके भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने सरकार बनाई। ये गलत था, हम गलत को गलत कहते रहे और ये आज साबित हुआ। और दूसरी चीज दिल्ली में राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बताइए कि राजस्थान में स्थिति तो कई बार बदली है, क्या राजभवन को राजस्थान के को भी आप क्वेश्चन करेंगे?
देखिए राजस्थान राजभवन में आपने देखा नहीं था कि हम फ्लोर टेस्ट करने की मांग करते रहे, आपके सामने है ये सब सामने, कोई छुपी हुई चीज नहीं है, अखबारों में है। हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारे नेताओं ने, हमारे विधायकों ने जाकर के धरना दिया, ज्ञापन दिए, वहां पे चिट्ठियां लिखी कि आप फ्लोर टेस्ट कराइए, हम बहुमत साबित करना चाहते हैं, तारीख ही नहीं दे रहे थे। तो जब विधानसभा कन्वीन करने की तारीख नहीं दी जाए तो उसमें क्या इंटरेस्ट हो सकता है? मैं एक प्रश्न उठा रहा हूँ, ये इसका जवाब तो सक्षम स्तर से ना कि भाई सुप्रीम कोर्ट को क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, ये नहीं कहा जाएगा कि जज दबाव में है। देखिए सुप्रीम कोर्ट को फैसले हैं और दोनों भी एक तरीके से प्रोटेक्टिव फैसले हैं। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि दोनों जो फैसले आज आए हैं वो भारतीय राजनीति में मील का पत्थर साबित होंगे, क्योंकि किसी की भी सरकार रहे दिल्ली में। मैं एक लाइन के साथ चल रहा हूँ ना सर, बताइए ना, सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम है आज ये मान लिया। देखिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, सुप्रीम तो सुप्रीम ही रहेगा। यही तो समस्या है, जब कहते हैं कि भाई जज दबाव में है तब वहाँ वही टिप्पणी हो रही होती है। देखिए जब जज दबाव में है, अगर जज खुद गए तो ये जो बात आप कह रहे हैं ना जज दबाव में, ये भी जजों ने ही कहा था, वो चार सुप्रीम कोर्ट के ही जज थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने नहीं कहा। हम नहीं कहते हैं कि जज दबाव में है या जज क्या कह रहे हैं, को आप किसी भी जो भी उनका फैसला है उसको हम कॉन्ट्राडिक्ट या क्वेश्चन नहीं करते हैं, लेकिन जनरलाइज तो करते हैं ना सर। जनरलाइज क्या कर रहे हैं, हम तो जो जज कह रहे हैं उस बात को अगर आगे जाके कहें, चिंता व्यक्त कर रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? कांग्रेस उस विचारधारा के साथ बहेगी, यही तो सवाल है। देखिए आशीष चतुर्वेदी जी, जो टिप्पणी की गई है ना सर, वो टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण है। वो टिप्पणी ये है कि भाई अगर राजभवन पार्टी के इशारों पर चलेगा तो फिर या तो संविधान की शपथ मत लीजिए, या फिर कह दीजिए कि भाई राजभवन पार्टी के विचारों को, पार्टी के आदेशों को फॉलो करने के लिए उस प्रदेश के अंदर एक ऐसी जगह है जहां से उसको आगे कन्वे करना है। देखिए विजेंद्र जी, आज का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, हम उसका स्वागत करते हैं और सम्मान करते हैं, और देश में संविधान सुप्रीम है, ये एक फैक्ट है, और जिसकी पालना करना न्यायपालिका का, विधायिका का, कार्यपालिका का, तीनों का कर्तव्य है। और कांग्रेस हमने देखा है कि लगातार जब से ये सत्ता में से हटे हैं पिछले 9 साल से, चाहे न्यायपालिका की बात कर लें, इवन आप मीडिया की बात कर लें, आप ईवीएम की बात कर लें, इलेक्शन कमीशन की बात कर लें, इन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना इनकी एक आदत सी बन गई है, रूटीन बन गया है। और अभी मैं स्वर्णिम जी को सुन रहा था, वो हम तो अलोकतांत्रिक बात कर रहे थे ना, मैं कह रहा हूँ कि भाई क्या वाकई में इसके बाद राजभवन का भी कोई फैसला करेगा, कहीं का भी हो, क्या उस पर आंखें बंद कर विश्वास किया जा सकेगा? देखिए विजेंद्र जी, हमको ऐसा समझना पड़ेगा कि पहली बार राजभवन को लेकर के कंट्रोवर्सी 75 साल का जो भारत का लोकतांत्रिक का इतिहास रहा उसमें नहीं रही है। हमने रोमेश भंडारी वाला केस भी देखा है उत्तर प्रदेश में हुआ, और इसके पहले वैसे घटनाक्रम तो होते रहे हैं कि भाई पीछे तो कुछ हुआ ही नहीं, जो हुआ 2014 के बाद भी फैसले आए। देखिए विजेंद्र जी, एकेजन साहब बहुत वरिष्ठ वकील है, इनको पता होगा इस तरह से जो गवर्नर के डिसीजन होते हैं उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी टिप्पणियां की है, कोई पहली बार टिप्पणी नहीं की है, लेकिन ये फैक्ट है कि जितनी भी संस्थाएं हैं संविधान के दायरे में लेकर के काम करना है। राजभवन काफी हद तक पार्टी कार्यालय से ड्रिवन होता है, ये मानते हैं? नहीं ऐसा नहीं है देखिए, लेकिन ये सही है जो एस सी मित्तल साहब बोल रहे थे कि जो राज्यपाल बनते हैं उनकी नियुक्तियां होती है वो पॉलिटिकल लाइन पे होती है, फैक्ट है ना, मैं इसको डिनाई कैसे कर सकते हैं आप कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। तो मतलब इसके पहले शपथ लेने के बावजूद एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी और जिन्होंने बनाया है वो एक प्रभाव रहता है, आप ये कह रहे हैं। योगेंद्र गुप्ता जी, दिल्ली के अंदर जो हुआ है, क्या इसके बाद अब आम आदमी पार्टी, या मैं खासकर कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल, अब वो बार बार उस तरीके से तो नहीं कहेंगे कि भाई हम तो करना चाहते हैं एलजी करने नहीं देते, हम ये करना चाहते हैं एलजी करने नहीं देते, क्योंकि एक यही रह गया था बस वहां सुनने के लिए, अब वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है भाई आपके हिसाब से चलेंगे, अब तो ये बहाने नहीं चलेंगे वहां। देखिए विजेंद्र जी, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, और ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से चेतावनी मिली है कि अपने आप को संविधान से ऊपर मानकर किसी भी तरीके से सत्ता को हथियाना या सत्तासीन दल को काम नहीं करने देने की प्रवृत्ति है, अब उसे बदलनी होगी। जहां तक सवाल हमारा, जो आपने सवाल पूछा है, देखिए 14 फरवरी 2015 को हमारी सरकार बनी वहां पर, और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग जानकर होगा, इंटरेस्ट होगा कि 3 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि हमने 67 सीटें जीती, सिर्फ 3 सीटें बीजेपी को मिली थी, 67 सीटें हमने जीती, तो हमारे उसको रोकने के लिए 3 महीने के अंदर, यानी 23 मई 2015 को पीएम के वहां से ऑर्डर आ गया कि केंद्र सरकार से जो दिल्ली के सर्विसेज अधिकार हैं वो या तो एलजी के पास रहेंगे या केंद्र सरकार के पास रहेंगे। एकमात्र टारगेट ये था कि ये जो सरकार आई है इसको किसी भी तरीके से फेल किया जाए, लेकिन
दो करोड़ लोगों की जो हमारा आशीर्वाद था दिल्ली की जनता का, हमारा जो आस्था था। मैं क्या कह रहा हूँ सर, ये तो सब जानते ही ना, हर कोई जानता है, रिपीट भी हुआ, ये भी जानते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अब ये तो बहाना नहीं दोगे ना। मैं वहीं आ रहा हूँ, ये एलजी नहीं करने दे रहे। मैं वहीं आ रहा हूँ विजेंद्र जी, ये आम आदमी पार्टी की जबान की लिस्ट से बाहर हो गया होगा। मैं वहीं आ रहा हूँ बस, मुझे आप वहीं आ रहा हूँ, एक मिनट दीजिए मुझे। और इसके बावजूद दिल्ली में जो काम हमने किए, हाथ बंधे होने के बावजूद, पावरलेस होने के बावजूद, वो अपने आप में रिमार्केबल है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। अब जबकि हमारे पास ये अधिकार आ गया है, तो यकीन मान के चलिएगा, महान तो पहले भी नहीं बनाए। अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा कहा, मुझे चाहे जितना रोका जाए, मुझे चाहे जितना बांधा जाए, लेकिन मैं दिल्ली की जनता की सेवा करने में तत्पर रहूंगा, पूरी कोशिश करूंगा, सेवा करके रहूंगा। आप मेरी बात सुनिए ना, लेकिन अब ये कहने की, ये पावर मिलने के बाद में मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि जो काम रुके हुए थे या जो काम उस तरीके से नहीं हो पा रहे थे जो हम करना चाहते थे, अब शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में काम होंगे और गवर्नेंस का एक ऐसा मॉडल दिया जाएगा जो इतिहास याद रखेगा और बाकी राज्य सरकार उसको फॉलो करेंगी। ठीक है, एक जैन साहब, सर हम जब सड़क पर चल रहे होते हैं ना, तो एक जेब्रा लाइन होती है, उसको क्रॉस कर देते हैं तो चालान का एक विधान है कॉमन मैन के लिए। तो क्या राजभवन के फैसलों को लेकर कोई जेब्रा लाइन है कि भाई अगर राजभवन से राज्यपाल ने भी जेब्रा लाइन को क्रॉस कर दिया तो उनको भी सजा दी जा सकती है? अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि सही नहीं किया, असंवैधानिक किया, तो उसे बदल क्या रहा है सर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जेब्रा लाइन पर गवर्नर्स को चेतावनी दे दी है जी। सुप्रीम कोर्ट सजा तो नहीं दे सकता अगर राज्यपाल को, क्योंकि राज्यपाल और राष्ट्रपति जब तक वो पद पर हैं, सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह की लाइबिलिटी से प्रोटेक्टेड हैं, उन्हें वो अधिकार प्राप्त हैं जो राजा को प्राप्त होते हैं कि उनके विरुद्ध कोई, अगर वो अपराध भी कर दें तो उस दौरान कोई कार्रवाई उनके विरुद्ध नहीं की। तो मतलब मैं इसका ये मतलब निकालूं, ये पहली बार हो रहा है कि भाई देश में जब ये कहा जाता है कि कानून सबके लिए बराबर है, तो उसमें राजभवन और राष्ट्रपति भवन को छोड़ दिया जाए। ये संविधान बना तब से ही छोड़ा हुआ है, उसमें ही ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया हुआ है कि जब तक वो पद पर हैं तब तक उनके विरुद्ध कोई आपराधिक हुआ है सिविल कार्रवाई नहीं की जा सकती, किसी न्यायालय में उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। ये एक अपने आप में बड़ी बात है, परंतु साथ में एक बात है, सही कहा, सुप्रीम कोर्ट गवर्नर के फैसले को बदल सकती है और आज उन्होंने इंडिकेशन भी दिया था कि शायद अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते और जिस फ्लोर टेस्ट को हम इलीगल कह रहे हैं उस फ्लोर टेस्ट को फेस करते तो हो सकता है हम मामले को उसको स्थिति को बदल सकते हैं। एसपी मित्तल साहब, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर, क्या वाकई में इसके बाद आपको लग रहा है कि अलग अलग प्रदेशों के राजभवन में एक अलार्म लगाया जाएगा कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट से कभी भी बच सकता है तो संविधान के हिसाब से ही चलने, ये आपको लग रहा है कि कुछ नहीं बदलने वाला, जो चलता है सियासी तौर पर वैसे ही चलेगा? पहले भी ऐसे मामले, ऐसे भी पहले कई बार मामले सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट की ऐसी टिप्पणियां आई, ये पहला मौका नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई, ऐसे पहले भी टिप्पणियां आई है, हमने देखा है कि कई बार क्या नाम से गवर्नर्स के, विधानसभा अध्यक्षों के फैसलों को बदला गया है। लेकिन जो दिल्ली वाले संदर्भ में मेरा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो विधानसभा के अधिकारों पे बेस्ड फैसला है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ साफ कहा कि दिल्ली में विधानसभा को जो अधिकार है वही सरकार को अधिकार होंगे, इसलिए ये जो पोस्टिंग का जो अधिकारियों का अधिकार दिए गए वो विधानसभा के अधिकार के तहत ही अधिकार दिया गया है। और जहां तक महाभारत का संदर्भ है, मेरा यह मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो महाभारत की कहानी है जिसमें यह कहा गया कि क्या नाम से पांडवों को यदि क्या नाम से पांच गांव दे दी जाती तो ये नहीं होता, भीष्मपितामह ने कहा और उन्होंने कहा कि द्रौपदी का अपमान नहीं होना चाहिए, सारी चीज को उन्होंने माना, उसके बावजूद भी क्या नाम से भीष्मपितामह को कौरवों के साथ में खड़ा रहना पड़ा। तो मुझे लगता है कि जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया है हमको उसको महाभारत के संदर्भ में देखना चाहिए। ठीक है आशीष जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर, क्योंकि अभी तो कर्नाटक में परिणाम आने हैं, उसके बाद कई राज्यों में चुनाव होने हैं, तो मानकर चलें कि भाई राजभवन की भूमिका संविधान के दायरे में ही रहेगी, क्योंकि ये कितने ही प्रोग्राम कर ले जो होना होता है वो अलग से ही चल रहा होता है। पहले भी मैंने पहले भी कहा, ये पहले भी परिभाषित हो चुका है, राज्यपाल के लिए पहले भी कहा गया है कि अगर आपको फ्लोर टेस्ट करना है तो उसका जो उपयुक्त जगह वो राजभवन नहीं है, उपयुक्त जगह विधानसभा ही है और कई जगह पर विधानसभा स्पीकर्स को पावर है। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में 91 बार सरकारों को बर्खास्त किया 356 में, कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उनको रीइंस्टेट भी किया है, ऐसा नहीं है कि ऐसा, तो कई बार राज्यपाल ये कह रहे हैं कि भाई जिसके पास पावर होती है वो इसी हिसाब से इस्तेमाल करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस बीजेपी, ये कह रहे हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं, हम कह रहे हैं कि हम संविधान के दायरे में ही रहना है, अगर कोई गलत निर्णय हो रहा है
उन्होंने इस्तेमाल किया, आज हमारे पास पावर है, आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। गलत निर्णय हो रहा है, मुझे बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी में कितनी सरकारों को बर्खास्त किया, कांग्रेस ने 91 बार किया है, फैक्ट है, आप आंकड़े उठा लीजिए, 356 आर्टिकल का 91 बार कांग्रेस ने इस्तेमाल किया है जी, और कई बार हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदला है। क्या वाकई में आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, क्योंकि हर कोई कह रहा है भैया तो होता ही आ रहा है, तो मानकर चलें कि होता ही रहेगा? देखिए विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की अनैतिक राजनीति जो है, अनैतिकता की राजनीति, वो आज उजागर हुई है। और जब हम आरोप लगाते हैं कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति या संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, उसको आज वैलिडेट किया, अनुभव के आधार पर लगा रहे होते हैं। बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट ने माना, हमारे दौर में जो हुआ है हमें पता है कि हमने क्या किया। देखिए, अगर हमारे दौर में कोई निर्णय हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत ठहराया तो गलत हुआ है, आज गलत है तो गलत मानना पड़ेगा ना। अगर पिछले किसी दौर में कुछ भी हुआ हो तो आज का क्या फैसला जी, एक लाइन गलत हो जाएगा। क्या इसे सुप्रीम कोर्ट की जो प्रतिष्ठा या जो कोर्ट की प्रतिष्ठा है कि मैं कोर्ट में देख लूंगा, वो और मजबूत हुई है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अगर कोई और सहारा नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट सहारा है। लेकिन साथ में ये भी कि भाजपा को चेतावनी है कि अगर आप दूसरे की लकीर से अपनी लकीर को बड़ा नहीं कर सकते हैं, उस लकीर को छोटा करने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है योगेंद्र जी, शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए। स्वर्णिम जी, आशीष जी, ए के जैन साहब और एस पी मित्तल साहब, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। सुप्रीम वाकई में सुप्रीम है। नमस्कार।